स्लीमनाबाद दक्षिण मुख हनुमान मंदिर अखंड मानस पाठ विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। ये अखंड मानस पाठ विगत कई वर्षों से गुरुवार पूर्णिमा से अखंड मानस पाठ शुरू किया जाता है, लगभग सवा महीने चलता है। आज मानस पाठ का हवन और विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। क्षेत्र के आसपास के लोगों ने प्रसाद पाने के लिए अधिक संख्या में उपस्थित रहे। चाचा, अखंड रामायण कब से चालू है अपने? ये अखंड रामायण यहाँ श्री सिद्धपीठ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर सलीमनाबाद बस स्टैंड में श्रावण के पवित्र मास में गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर लगभग सवा माह तक चली है। और इसमें हमारे ग्राम के जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, उन्होंने बहुत ही सहयोग प्रदान किया है। उनके इस तरह का सहयोग हम सब नवयुवकों को अनुकरणीय है और इस चीज का प्रत्येक नवयुवक को अनुकरण करना चाहिए। रात रात भर जग के आप लोगों ने रामायण पाठ को अनवरत रूप से शुरू रहने का जो काम किया है, उसको हर किसी को उस बात से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और ये धर्म की जो गंगा यहाँ पर सलीमनाबाद गांव में लगभग सवा महीना तक बही, उसका आसपास के सभी ग्रामवासियों को, श्रद्धालुओं को लाभ प्राप्त होगा। इस आयोजन में हमारे जो मार्गदर्शक हैं चाचा श्री राजा बाबू जी, श्री जगदीश प्रसाद जी अग्रहरी, ज्वाला प्रसाद जी दुबे, श्री हनुमान सिंह जी ठाकुर। हनुमान सिंह ठाकुर ने तो लगभग तीन तीन घंटा बैठकर और रामायण का वाचन किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये लोगों को अनुकरण करने वाली बात है। श्रीमान हरिश्चंद्र अग्रहरी जी दिन में तीन तीन बार रामायण पढ़ने के लिए बैठते थे, तो और बाकी अग्रहरी ने तो अपने चक्की को बंद करके और यहाँ की रामायण में अपना बड़ा सहयोग प्रदान किया है। रामायण उपलक्ष में आज कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन और नगर भोजन का आयोजन चल रहा है, जो कि पानी वर्षा के कारण शंकर मंदिर प्रांगण में अनवरत चल रहा है। और ब्राह्मण भोजन को ब्राह्मणों ने तैयार किया है। ब्राह्मण भोजन में बहुत ही अच्छे ढंग से लोग वाक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। सहयोग हमेशा मिलना चाहिए और इस तरह का सहयोग हम सभी ग्रामवासी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मिलता रहेगा। एक बात और अंत में कहना चाहेंगे कि हमारे जो पद प्रदर्शक हैं आर एन त्रिपाठी जी, आपका भी सहयोग अद्वितीय है। और नवयुवक समिति ने विचार किया है कि इन सारे सीनियर सिटीजनों का सम्मान किया जाना है, तो निकट भविष्य में इन सभी लोगों का सम्मान किया जाएगा। मंदिर अपना कितना पुराना है? ये अति प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण ऐसा हम लोग सुनते हैं कि आदरणीय जगदीश तिवारी जी के पिता श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी के पिताजी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। और अभी जो इसका जीर्णोद्धार है, तो हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय गोलू निधि गोलू तिवारी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। और इसमें जो मार्बल लगा हुआ है नीचे, तो गोपाल जी समदानी राजस्थान वालों ने इस में सहयोग प्रदान किया है। धरो धरो चाचा के मैं।